दोस्तों बात करेंगे कॉफ़ी डे शेयर के बारे में। कॉफ़ी डे शेयर के बारे में मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो बताई थी, उसमें आपको ये भी बताया था कि हमें अगर ये लेवल्स ब्रीच होते हुए देखने को मिलते, तीन आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिली, वॉल्यूम आप देखेंगे तो गिरता हुआ देखने को मिला इन द सेलिंग साइड, बट आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि स्टॉक में गिरावट हुई थी तो वो एक तरीके से पैनिक क्रिएशन की वजह से हुई थी। जो स्टॉक कोरोना की न्यूज़ आ गई थी तो उस वजह से हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी, इन्वेस्टर्स बाहर निकले हुए थे। बट अगर अभी आप देखेंगे तो यहाँ से हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला था, तीन दिनों में गिरावट हुई, उसके बाद से स्टॉक ने दोबारा से अपना अपसाइड ट्रेंड दिखाना चालू कर दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बाइंग साइड की जो वॉल्यूम है वो भी हमें आज के दिन अच्छा खासा देखने को मिला ये वाली कैंडल का। सो कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मूवमेंट एकदम से आपको देखने को मिलेगा स्टॉक के अंदर, ये नहीं है कि आपको टाइम देगा। आप यहाँ पे देखें स्टॉक में गिरावट रही कम से कम 7-8 दिनों तक इस जगह पर, और एकदम से इसने ये वाली कैंडल बनाई, थोड़ा सा कंसोलिडेशन और अपसाइड ट्रेंड। करीब से करीब आप देखेंगे तो 47 रुपये से डायरेक्ट 55 रुपये के टारगेट्स ने अचीव किए थे मात्र 5 से 6 दिन के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं आपको याद रखना है कि स्टॉक में जब मूवमेंट आता है तो बड़े भारी मात्रा में आता है, और स्टॉक में इन्वेस्टर्स जो हैं वो रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कंसोलिडेशन चल रहा है, कंसोलिडेशन फेज में तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, देखिए मैं जो अपॉर्चुनिटी आपको बता रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके इस वीडियो के लिए। 44 रुपीज़ का आप एक स्टॉप लॉस रखें, मेरी बात को सुनिएगा, 48 रुपीज़ 0.50 के पास है, 4 रुपये का रखें स्टॉप लॉस इन द डाउन साइड में, और आपको जो टारगेट रखने वो रखने 53.30 रुपीज़ के, 4 रुपये का अपसाइड में, सॉरी कितना 4.30 रुपीज़ का अपसाइड में टारगेट, 4 रुपीज़ का स्टॉप लॉस, ये रहेगा आपका पहला टारगेट। दूसरा टारगेट जो है वो रहेगा हमारा 55.60 रुपीज़ के पास, ये हमारा रहेगा दूसरा टारगेट। ये ब्रीच अगर होता है तो हमें अच्छे खासे लेवल टारगेट इन द अपसाइड ट्रेंड देखने को मिल जाएंगे, बट जिस तरीके से हम जानते हैं स्टॉक ऑलरेडी 55 रुपीज़ तक पहुंचता भी हुआ भी हमें देखने को मिला है इन द प्रीवियस टाइम। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए कि स्टॉक को समझें और किस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिलती है उसको भी थोड़ा सा समझें कि क्या हमें इन द अपकमिंग टाइम जो टारगेट हैं वो अचीवेबल हैं या फिर नहीं। फिलहाल मैं बात करूँ तो स्टॉक में बाइंग साइड की हमें अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, बिकॉज कंसोलिडेशन जो मूव था रेड कैंडल्स का वो गिरावट का था, इसके बाद से हमें अपसाइड ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये लेवल ब्रीच होता है तो अपसाइड में हमें अच्छे खासे लेवल्स भी देखने को मिल जाएंगे 60-65 के। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 44 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, बिकॉज अगर ये ब्रेक होता है तो आप प्रीवियस टाइम पर भी जाकर देख सकते हैं जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं 40 रुपये पर तक भी आपको जाते हुए देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस ये आप पर टोटली डिपेंड है, एक बार खुद से एनालिसिस जरूर कर लें, बट जो मूवमेंट है वो अपसाइड का है अगर ये 49.65 रुपीज़ के लेवल्स को ब्रेक करता है। तो वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को फॉर मोर अपडेट।